सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल सेड मोटर व्लॉग्स। तो भाई कैसे हो? तो आज की अपनी एक और वीडियो बजाज की ऊपर ही होने वाली है। बजाज की जो अपनी टूरर बाइक है और सबके लिए अफोर्डेबल बाइक होने वाली है, ये जो टूरर मतलब जो लॉन्ग टूर करते हैं, लद्दाख का ट्रिप मारते हैं, जैसे बड़े बड़े ट्रिप मारते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बाइक होने वाली है बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि है अपनी एडवेंचर 220 क्रूज़। बजाज की अपनी बाइक है और आप देख सकते होगे कि कितनी अच्छी लग रही है। टूरर वालों के लिए बेस्ट बाइक है। मेरा वैसे ऐसा टेस्ट नहीं है, पर जो टूरर वाले हैं ना, उनको ये ज़रूर पसंद आने वाली है, जो कि अपने अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी आ जाती है। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करके, तो चलो आपको वीडियो में मिलते हैं। तो भाई हम इसके फ्रंट लुक पे आ जाते हैं। सबसे पहले फ्रंट लुक में आपको इतना ये बड़ा ह्यूज सा वाइज़र दिख जाता है, विंडशील्ड जिसे कहते हैं, जो कि आपको मतलब हाई स्पीड में विंड से बचाने में बहुत हेल्प करेगा। और आपको साथ में आगे एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, एलईडी इंडिकेटर्स के साथ, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसके अगर मडगार्ड की बात करें आगे, तो आपको इधर इतना बड़ा ह्यूज सा मडगार्ड मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें आपको ड्यूल मतलब ABS भी मिल जाता है फ्रंट में, रियर में आपको डिस्क ड्रम ब्रेक्स मिल जाती है। और जो इसका कंसेप्ट है ना कलर का, ये टूरर्स के लिए बहुत बेस्ट बाइक है। मेरे को हार्ले जैसे फील दे रही है देखने में, जो कि इसकी सीट हाइट देखो कितनी नीचे है, ये शॉर्ट राइडर्स के लिए बेस्ट होने वाली है। और इसको अगर हैंडल देखोगे ना इतना ऊँचा, जो कि बहुत अलग साइज मतलब स्टाइली मतलब अलग ही रोड प्रेजेंस होती है इसकी रोड पर, क्योंकि ये टूरर बाइक्स बहुत कम मतलब चलाते हैं लोग, बहुत कम लोगों का टेस्ट होता है, जो भी लॉन्ग राइड करते हैं उनका ही होता है। तो मेनली उनके लिए बेस्ट बाइक होने वाली है ये वाली। भाई बैक सीट की बात करते हैं, तो पीछे जो बंदा बैठेगा ना पिलियन राइडर, बहुत खुश होने वाला है, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल होने वाली है ये पिलियन सीट। साथ में पीछे आपको ये प्रोटेक्शन के लिए मिल जाता है, पीछे आपको बहुत कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है। ये पीछे बैक पे जो ये मिल रहा है ना गद्दा टाइप, ये बहुत अच्छा होने वाला है, पीछे गिरने का भी डर नहीं रहेगा। आराम से पूरे मतलब लॉन्ग ट्रिप पे भी पिलियन को भी लेके जा सकते हो, ये नहीं कि खाली राइडर जा सके, पिलियन भी जा सकता है। अब इसकी बैक लुक पे आ जाते हैं, तो बैक लुक पे आपको यहाँ पर ये एडवेंचर की बैजिंग देखो भाई, बहुत अच्छी लग रही है। और ये अपने टेल लाइट LED टेल लाइट मिल जाती है। और ये अपने जो ये दे रखा है ना इन्होंने पीछे वाले इंडिकेटर आगे वाले भी, इसमें अंदर जो स्टाइल है ना बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और इसका जो एक सिल्वर कलर में पूरा एग्जॉस्ट दे रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है एग्जॉस्ट भी। और ये इसका फोकस पीछे वाले सिल्वर कलर में बहुत अच्छा दे रखा है। और अब अगर इसके स्टिकरिंग की बात करें, तो यहाँ पर 220 क्रूज की स्टिकरिंग सही लग रही है भाई। अब हमने इसकी लुक्स की भी बात कर ली, इसके ये ABS की भी बात कर ली। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जाते हैं। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, तो ये टूरर बाइक में बहुत अलग सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है। जैसे आप देख सकते हो ये सिंगल सा ही गोल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है, साथ में इसके ऊपर भी छोटी सी स्क्रीन दे रखी है, विंडस्क्रीन दे रखी है, और यहाँ पर एक और दे रखा है। अब इसको हम ऑन करके दिखाते हैं। भाई मैंने ना अभी इसकी चाबी देखी, तो मेरे को चाबी नहीं मिल रही थी सबसे मेन बात तो भाई, और मेरे को मैं भूल गया भाई, इसकी ना अलग सी जगह चाबी छुपा रखी होती है जो भी टूरर बाइक्स आते हैं। तो मैंने अब देखी, ये रही अपनी चाबी, यहाँ पर इसकी चाबी लगती है, यहाँ से इग्निशन ऑफ या ऑन हो जाता है, मतलब चाबी ऑन ऑफ हो जाती है। और ये देखो ये ऐसा कुछ ऑन होता है इसका डिजिटल मीटर, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ऑब्वियसली भाई बजाज की बाइक्स में न्यूट्रल बहुत अलग सा ही देते हैं। और यहाँ पर जो अलग से आपको ये न्यूट्रल का साइन मिल जाता है, ये बैटरी ABS, ये बजाज का लोगो, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करें, तो 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि आपको 35 तक की माइलेज दे देगा, आराम से दे देगा, 30-35 की दे देगा, जो कि टूरर पर्पज़ के लिए बहुत बेस्ट। तो भाई अब इसके हैंडल पे आ जाते हैं, तो आपको हैंडल पे यहाँ पर लेफ्ट साइड ये पासिंग का जो होता है वो मिल जाता है बटन, और ये अपना इंडिकेटर्स का, और ये अपना हॉर्न का, इसका हॉर्न का बटन मिल जाता है। और आपको ये किल स्विच है अपना छोटा सा दे रखा है भाई, अच्छा लग रहा है। और ये अपना लाइट का मिल जाता है बटन, और ये अपना स्टार्ट करने का बटन, जो कि अपना नॉर्मली होता है हर एक बाइक में। ओवरऑल बहुत अच्छी बाइक है, ह्यूज बाइक है, टूरर पर्पज़ के लिए बेस्ट है, मैं बार बार बोलूँगा। जो भी अपने टूरर लवर हैं, लॉन्ग टूर करते हैं, वो वैल्यू फॉर मनी उनके लिए ज़रूर हो सकती है, बाइक ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हो। अब इसके अगर इंजन पे बात करें, तो ये बजाज का लोगो DTSI का लोगो मिल जाता है, बहुत अच्छा लग रहा है सिल्वर कलर में। और ये आपका इंजन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मैंने जैसे दिखाया था ये की ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। नीचे कोई मतलब अगर आप गलती से भी भूल जाते हो ना चाबी लगा के, कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि आपकी चाबी यहाँ पर होगी, बहुत रेयरली दिखेगी भाई, ये दिख भी नहीं सकती। तो बहुत अच्छा ये मेरे को लगा ये बात, इसकी चोरी होने का भी डर बहुत कम रहेगा। और इसकी कलर थीम और आप लुक्स देख ही सकते हो,
बहुत सही लग रही है भाई, ह्यूज बाइक लग रही है बहुत ज़्यादा भाई। एक बार इसके मिरर्स की भी बात कर लेते हैं, मिरर्स का जो स्टाइल है ना वो अलग सा ही दे रखा है। ये देखो भाई, ये थोड़ा सा ऊंचा सा, और ये मतलब स्क्वायर टाइप में इतने ऊंचे मिरर्स दे रखे हैं, बहुत सही लग रहा है भाई, अलग सा ही स्टाइल है ये। ये देखो पीछे का आपको अच्छा खासा दिख जाएगा इसमें, बहुत सही लग रहे हैं इसके मिरर्स। तो भाई इसके पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको 220 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि 18.4 bhp प्रोड्यूस करता है 8500 rpm पे, और 17.55 nm का टॉर्क 7000 rpm पे। और ये अपना BS6 है तो थोड़ी बहुत पावर का तो आपको पता ही है कम कर दी गई होगी। और इसमें सिंगल चैनल ABS मिल जाता है जैसे आपको मैंने बताया था। अगर इसके फ्रंट ब्रेक साइज़ की बात करें तो 280 mm की फ्रंट ब्रेक साइज़ मिलती है जिसके आपको, और अगर कर्व वेट की बात करें तो आपको कर्व वेट मिल जाता है इसका 163 kg का। भाई लगती है ये ह्यूज पर है नहीं इतनी, मतलब भारी नहीं है, वेट बहुत सही है इसका, 163 kg मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर इसकी ओवरऑल लेंथ की भी बात करें तो 2210 mm की ओवरऑल लेंथ मिलती है, और विड्थ आपको 806 mm की विड्थ मिल जाती है। और अगर हम इसकी माइलेज की तो हमने बता ही दिया, सबसे मेन बात इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो गुड़गांव का मैं ऑन रोड प्राइस बताऊं, पहले तो एक शोरूम बता देते हैं ऑन रोड से पहले। एक शोरूम है इसका कुछ 140 के अराउंड गुड़गांव का, और आपको ऑन रोड 158 तक पड़ जाती है, 158 या 160 आपको अपने एरिया का देखना पड़ेगा ऑन रोड क्या क्या पड़ेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि टूरर जो भी जिनको भी पसंद है उनके लिए बेस्ट अफोर्डेबल बाइक होने वाली है ये, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बाइक है। 160 में तो आपको इससे बेस्ट टूरर बाइक नहीं मिल सकती, आप ज़रूर BSM बजाज जो कि अपना गुड़गांव में है ज़रूर आके चेकआउट कर सकते हो, आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट भी देंगे ये। और भाई थैंक यू भी बोलना चाहूँगा, उन्होंने मेरे को वीडियो बनाने का मौका दिया यहाँ पर। और जैसे आपको देखा होगा इससे पहले N160 की भी वीडियो आई होगी आपके पास, और इससे अगली हमने बनाई है एडवेंचर की, तो दोनों वीडियो को ज़रूर जाके अच्छे से प्यार देना, इसको भी लाइक करना, उस वीडियो को भी लाइक कर देना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अभी तक नहीं करा हो तो। और आपको ऐसी ही बढ़िया सी वीडियोस लाते रहेंगे, मिलते रहेंगे फ्यूचर में। तो चलो मिलते हैं आपको अगली एक सी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।